हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ इनपुट डिवाइसेस। दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑफ इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्लास 11th। सो फर्स्ट वीडियो में जो हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, वो पढ़ा है, और उससे पहले हमने सिलेबस देखा था, एक ओवरव्यू और मार्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद प्रैक्टिकल के जो मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फाइल के मार्क्स, वाइवा वोस कितना है आपका, वो सब हमने एक ओवरव्यू देखा था। उसके बाद हमने सीपीयू सेकंड लेक्चर में पढ़ा कि सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट का क्या वर्क होता है, इन तीनों में क्या आपस में कनेक्शन है, सीपीयू किसे बोलते हैं, जो एक आम और एक जनरल पब्लिक में एक बना हुआ है, उनके माइंड में एक सेट है एक चीज़ के, सीपीयू हम उसे बोलते हैं, वो जो हमारे कंप्यूटर के साथ एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ होता है ब्लैक कलर का, तो वो हमने बताया था कि वो कैबिनेट है सीपीयू, उसके अंदर हमने उसकी फ़ोटोज़ भी आपको गूगल पे निकाल कर दिखा दी थी। जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर, तो पहले आप लोग फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप थर्ड लेक्चर पर आइए। तो सो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हार्डवेयर की डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि विच कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच आर टेंजिबल, विच आर फिज़िकल, ओके। सो जिन कंपोनेंट्स को हम छू सकें कंप्यूटर के, ओके, जो टेंजिबल हों, जो पेरिफेरियल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर्स हैं, ओके। ये हार्डवेयर्स आगे कुछ सेगमेंट्स में, कुछ टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। इनमें से कुछ हार्डवेयर्स इनपुट डिवाइसेस हैं और कुछ हार्डवेयर्स आउटपुट डिवाइसेस हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं और कुछ हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, और आगे भी कुछ डिवाइसेस और हैं, मेन यही थे। तो जिनमें से एक सीपीयू हमने प्रोसेसिंग डिवाइस है हमारी, उसे हमने पिछली बार अच्छे से समझ लिया था। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिए थे, और हर लेक्चर का यही रहेगा कि, और ख़ास तौर पर स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि उनके नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो नोट्स आपको एक ब्लू कलर की लाइन लिंक बना हुआ आ रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है और आपको एक पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें सारे नोट्स मैंने वहाँ पर लिख दिए होंगे, उस लेक्चर के एक या दो पेज होंगे शायद, आप लोग उन्हें अपने अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, ओके। सो आज का हमारा टॉपिक, चलते हैं इसकी तरफ, इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहला क्वेश्चन तो वो ख़त्म हो गया जब हमने कि होती क्या है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस या किसी एक चीज़ को बारे में, ये हार्डवेयर का टाइप हो गया इनपुट डिवाइसेस। बेसिकली यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंट टू ए कंप्यूटर आर टर्म एज इनपुट डिवाइसेस, ओके। मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूँ कि वो सारी डिवाइसेस कंप्यूटर की कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी इनपुट या कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, कोई भी इंस्ट्रक्शन, किसी भी टाइप का इंस्ट्रक्शन दें, वो सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। कोई भी इनपुट हम कंप्यूटर को दें, वो सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने टू प्रेस किया, फिर प्लस प्रेस किया, और फिर टू प्रेस किया, और फिर एंटर मैंने प्रेस किया, तो इसका क्या हुआ, मैंने उसे दो नंबर्स इनपुट कराए और बीच में प्लस का सिंबल लगा के मैंने कंप्यूटर को ये बताया कि इन दोनों नंबर्स का सम करके मुझे प्रोवाइड करो, ओके। तो वो सारी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट दें, ठीक है, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद हम इसके आगे पढ़ते हैं, दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू ए डिजिटल फॉर्म दैट इज़ एक्सेप्टेबल बाय कंप्यूटर सिस्टम। डिजिटल फॉर्म कौन सी होती है वो भी हम पढ़ेंगे आगे। बेसिकली ये बाइनरीज होते हैं, ओके, जो डिजिट्स होते हैं हमारे, डिजिटल जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, ओके। सम एग्ज़ाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेज इंक्लूड, अब ये इनपुट डिवाइसेज के कुछ इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिए हैं यहाँ पे, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, टच स्क्रीन। अच्छा, टच स्क्रीन भी याद रखने का है, क्योंकि वाइवा में ये क्वेश्चंस आप लोगों से हो सकता है कि आपके सामने एग्जामिनर फॉर एग्ज़ाम्पल एक अपना फ़ोन आगे रख दें, और उससे जब आप उसे समझा रहे हों कि इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं, अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ, आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जिन पे हमें रिज़ल्ट शो हो, वो कभी क्या करेगा कि वो एग्ज़ामिनर आपको कैलकुलेटर निकाल के दे दिया,
और उसके बाद उसने कहा कि इसमें इनपुट दो 2+2। आपने इनपुट दे दिया, रिजल्ट भी आपको मिल रहा है वहीं स्क्रीन पे। तो फिर ये क्वेश्चन बनता है कि अब ये टच स्क्रीन जो है ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस में हमें रिजल्ट मिलता है, इनपुट डिवाइसेस में हम सिग्नल देते हैं या इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कमांड्स देते हैं, कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। ओके, तो वो सारी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर जिन पे आउटपुट या रिजल्ट हमें दे रहा है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो अब क्वेश्चन यही बना कि टच स्क्रीन कौन सी डिवाइस है। तो टच स्क्रीन आपको अच्छे से याद रखना है इनपुट डिवाइसेस है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, क्योंकि एग्जामिनर का क्वेश्चन तो अपनी जगह, या कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई टीचर कर ले, कोई दूसरा, कोई फ्रेंड कर ले आपका, कि ये इनपुट जो हमारी टच स्क्रीन है इनपुट है या आउटपुट, ये क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है कि टच स्क्रीन आपकी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो आपको आंसर यही करना है कि ये टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, बिकॉज जो आप इनपुट दे रहे हैं, जो आप टच कर रहे हैं वो आप इनपुट दे रहे हैं, और जो रिजल्ट शो हो रहा है वो टच स्क्रीन पे नहीं हो रहा है, वो डिस्प्ले पे हो रहा है। डिस्प्ले एंड टच स्क्रीन ये दोनों अलग अलग चीज़ें, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो इन्हें हम अगले में लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे कि और क्या डिफरेंसेस होते हैं टच स्क्रीन और डिस्प्ले में, जब हम आउटपुट डिवाइसेस आप लोगों के सामने आ जाएंगी। उसके बाद एज शोन इन फिगर 1.2, ये एक फिगर यहाँ पे इन्होंने 1.2 जो इनपुट डिवाइसेस का फिगर है, इसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और टच स्क्रीन तीनों चीज़ें इन्होंने दिखा दी हैं। होप शायद ही आप लोगों में से कोई ऐसा व्यूअर होगा कि जिसने इन चारों में से कोई एक चीज़ नहीं देखी हो सकता है, मे बी पॉसिबल दैट कि आप लोगों ने स्कैनर नहीं देखा हो, उसके अलावा सारी इनपुट डिवाइसेस आप लोगों ने देखी होंगी। ओके, इसके बाद हमारा ओके यहाँ से यूज़ गूगल वॉइस सर्च। ओके जी, यहाँ पे आ जाते हैं किसी भी टाइप का इनपुट जब हम दे रहे हैं यहाँ से, सॉरी, बिसाइड वी कैन नाउ एंटर डेटा थ्रू वॉइस, फॉर एग्जांपल वी कैन यूज़ गूगल वॉइस सर्च। ओके, इनपुट तो हम दे रहे हैं, डेटा इनपुट हम दे रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, कोई भी इनपुट दे रहे हैं, वो किसी भी टाइप का डेटा हो। अब वो डेटा हमारे न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। ओके, अब वो डेटा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एट द रेट, हैश, या और कोई परसेंटेज, या आप लोग बना लीजिए कोई भी जो सिंबल्स हैं हमारे पास, ठीक है, हाइफ़न या ब्रैकेट्स वगैरह, या वो अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स आपके होंगे A to Z। ओके, और क्या होगा, और क्या डेटा हो सकता है, जैसे और डेटा क्या होगा जी, माइक के थ्रू जब हम कौन सा इनपुट देंगे, माइक इनपुट डिवाइस है, वॉइस इनपुट हम देंगे, तो माइक कौन सी डिवाइस है, माइक भी इनपुट डिवाइस है, उसमें हम कौन से टाइप का डेटा दे रहे हैं, वॉइस इनपुट करा रहे हैं, कभी हम वॉइस इनपुट करा रहे होते हैं, कभी हम नंबर्स इनपुट करा रहे होते हैं, कभी अल्फ़ाबेट्स और कभी कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स तो कीबोर्ड के थ्रू करा दिया, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, अपनी वॉइस हमने इनपुट कराई माइक के थ्रू, माइक भी इनपुट डिवाइस है, कोई डॉक्यूमेंट हमने स्कैन करा और वो कंप्यूटर में इनपुट करा दिया, वो एक फ़ाइल के फॉर्म में आपके पास JPG या वर्ड की फ़ाइल आपके पास बन गई, PDF डॉक्यूमेंट्स फाइल कोई भी बन के आ गई, वो भी तो एक इनपुट ही हुआ, एक टाइप का इनपुट वो भी हुआ, तो वो स्कैनर के थ्रू हुए। वो सारी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट दें वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और द वेब, ओके आगे पढ़ते हैं, द वेब वेयर वी कैन इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू आर वॉइस। ओके, डेटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेज इज टेम्पररली स्टोर्ड इन द मेन मेमरी। मेन मेमरी कौन सी होती है, ऑल्सो कॉल्ड रैम। ओके, रैंडम एक्सेस मेमरी को ही हम मेन मेमरी बोलते हैं। अच्छा, इसका रीज़न भी है कि हम रैम को ही मेन मेमरी क्यों बोलते हैं, रोम को मेन मेमरी क्यों नहीं बोलते। ये जब हम ये वाला टॉपिक ख़त्म होकर हम मेमरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इसे अच्छे से समझेंगे। of the computer system for permanent storage and future use. Okay, the data as well as instruction are stored permanently in additional storage location called secondary memory. Secondary memory, primary memory कौन कौन सी होती हैं, ये हम memory के topics में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा topic यहाँ पर finish होता है, that is input devices. Okay, so input devices, hope कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कौन सी devices input devices होती हैं। मैं एक बार और repeat कर देता हूँ कि वो सारी devices जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को किसी भी टाइप का डेटा, अच्छा डेटा कुछ भी हो सकता है, वो डेटा कंप्यूटर को डेटा इनपुट करें वो इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके,
सो ओके, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बाकी नोट्स आपके प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। ओके, टेक केयर।